हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आपके लिए द किंग एटर्नल मोनार्च के एपिसोड 2 को लेकर आए हैं। इसमें मेन कास्ट में है ली मिनहो और किम गोन। स्टार्ट करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, हमें उनका इंतजार रहता है। एपिसोड स्टार्ट होता है, किंग तेउल के पास आता है और कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लेफ्टिनेंट जोंग तेउल, और उसे गले लगा लेता है। तेउल उसे धक्का दे देती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हो? मेरा आईडी नहीं देखा? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। किंग कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप दुनिया की उस पार थी और सच में एग्जिस्ट करती हो, पर 25 साल बाद भी आप लेफ्टिनेंट ही हो। वो पूछती है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? किंग कहता है, मैं तुम्हें कई सालों से देख रहा हूँ, पर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। तेउल कहती है, जब पता है मैं यकीन नहीं करूंगी तो बकवास क्यों कर रहे हो? और सर प्लीज अपना आईडी दिखाइए, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। किंग कहता है, मेरे पास कोई आईडी नहीं है। तेउल पूछती है, क्यों? किंग कहता है, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो हूँ, जाने दो, तुम्हें यकीन नहीं होगा। तेउल चिढ़ जाती है। वो कहता है, शायद मेरी बात तो तुमने सुन ली, पर तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं साम्राज्य का राजा हूँ। एक अजीब इंसान का पीछा करते करते बिजली और तूफान के बीच से मैं इस दुनिया में आ गया। कुछ देर तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद समझ आया कि एक पैरेलल यूनिवर्स है। तेउल कहती है, अच्छा तो ये अब दूसरी दुनिया है? वो कहता है, हाँ थोड़ी अलग है, बट सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ एक क्वीन राज करती है। वो एक एक्ट्रेस जिसको लोग प्यार से क्वीन बुलाते थे, उसके पोस्टर को देखकर कहता है कि यहाँ की क्वीन यूना है, जिसे लोग बहुत प्यार करते थे। तेउल कहती है, हाँ पूरा देश उन्हें पसंद करता है। किंग कहता है, जैसे मेरे लोग मुझे, तो मुझे अपनी क्वीन से मिलवाइए और मेरे 7th ग्रेड कमांडर हॉर्स मैक्सिमस के लिए घास और पानी का इंतजाम कीजिए। तेउल कहती है, क्वीन से मिलने के लिए तो टिकट लेने पड़ेगी। वो कहता है, लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तेउल गुस्से में कहती है, तुम्हें ढंग से समझाना पड़ेगा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, कुछ लोग उसका फोटो क्लिक कर रहे होते हैं हीरो समझकर। वो पीछे हट जाती है और कहती है, तुम कहना चाहते हो तुम दूसरी दुनिया से आए हो और जहां तुम किंग हो और ये घोड़ा एक 7th ग्रेड ऑफिसर है? वो कहता है, आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है, आपने साइंस नहीं पढ़ी है क्या? वो खिंचती रहती है कि क्या करूं इस आधे पागल आदमी का। वो हैरानी से पूछता है, आप ऐसे ही बात करती हैं? वो कहती है, पिछले 30 सालों से तो मैं ऐसे ही हूँ। अब तुम मेरी सुनोगे, तुम अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया, ट्रैफिक लो तोड़ा और ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर को छुआ। तुम्हें वकील करने का और चुप रहने का पूरा हक है, और अब सीधे सीधे खड़े रहो वरना दर्द होगा। और वो उसके हाथ खींचकर उसे हथकड़ी लगा देती है। वो कहता रहता है, मैं कोरियर साम्राज्य का राजा हूँ। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर सब उसके घोड़े को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होते हैं। तेउल पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू करती है कि अपना नाम बताओ। वो कहता है कि मैं अपना नाम बता दूंगा, पर आप उस नाम से मुझे पुकार नहीं सकती। वो कहती है, ठीक है, तुम्हारा नाम किम गे दोंग है, जिसका मतलब होता है डॉग की पोटी। वो गुस्सा हो जाता है, ये कैसा नाम है? वो आके कहती है, अपना सारा सामान बाहर निकालो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारा सामान निकालना पड़ेगा। वो अपना पर्स और घड़ी निकाल के देता है। वो उसका पर्स चेक करती है, जिसमें किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ पैसे और कार्ड्स निकलते हैं। किंग कहता है, मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। तेउल कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें निकले पैसों पर किंग की फोटो होती है। तेउल कहती है, लगता है कि मोनोपोली गेम में जीते हैं। मैं इन्हें जांच के लिए रख रही हूँ, किसी क्राइम से रिलेटेड ना हो इसलिए। इतने में दूसरी ऑफिसर आती है, तेउल उससे रिपोर्ट मांगती है। पहले तो वो कल कहती है, पर फिर किंग को देखकर कहती है, अभी ला देती हूँ, और किंग से उसके फिंगरप्रिंट लेने लगती है। किंग कहता है, मुझे कोई छू नहीं सकता। वो उसके हाथ मरोड़कर प्रिंट्स ले लेती है। वो बोलता रहता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब चीजों में ट्रेनिंग ली है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की दाइमा प्रिंस बुयोंग से बात कर रही होती है। वो पूछते हैं, किंग फिर से कहीं चले गए ना? वो कहती है, हाँ। प्रिंस कहते हैं, मुझे अपने आसपास इतनी सिक्योरिटी देखकर अंदाजा हो गया था, इस बार भी बर्फ के पहाड़ देखने गए हैं क्या? वो कहती है, नहीं, कैप्टन जुयोंग का कहना है कि बास के जंगल में जाकर कहीं गायब हो गए। वो हंसने लगते हैं। दाइमा आगे कहती है कि इस बार वापस आए तो उन्हें समझा देना, उनसे ये मत पूछना मजा आया कि नहीं। प्रिंस कहते हैं, अब मीडिया से क्या कहेंगे, बार बार पेट खराब होने का बहाना भी नहीं कर सकता। हिमा कहती है कि पिछले साल की तरह बोल देंगे कि उन्हें मैथ्स का बुखार चढ़ाया और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लिया। वो कहती है कि कैप्टन जो तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी पता चल जाएगा। कैप्टन जो और उनकी टीम जंगल में तलाश कर रहे होते हैं, एक पॉइंट के बाद उनके पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। उसे याद आता है कि किंग उस आदमी का पीछा कर रहा था जो खरगोश की ड्रेस में था। वो रोइंग कॉम्पिटिशन में फायर करने वालों से पूछताछ करने जाता है। वो लोग कहते हैं, हमें नहीं पता था वो वहाँ किंग है, हम तो सिर्फ उस लड़की का पीछा कर रहे थे जो हमारे पैसे लेकर भागी है, ना तो उसका कोई घर है ना कोई आइडेंटिटी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमारी जांच में इनकी बात सही निकली है। कैप्टन जो पूछता है, उस लड़की का पता चला? पुलिस ऑफिसर कहता है, अभी तो नहीं, उसका नाम लूना है और उसका पता लगते ही हम आपको खबर कर देंगे। उधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल ने किंग को जेल में बंद कर दिया होता है। वो कहता है, मुझे गद्दी चाहिए बैठने के लिए या फिर चेयर, मैं कभी जमीन पर नहीं बैठा हूँ। तेउल को जवाब नहीं देती। वो कहता है, मुझे पता है तुम सब सुन रही हो। इतने में कोई आता है और पूछता है, क्या तुम इस हैंडसम के बारे में बात कर रही थी? वो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है और कैप्टन जोयोंग का हमशक्ल होता है, उसका नाम होता है जोन सब। किंग उससे हैरानी से देखता रहता है और पूछता है कि योंग, ये तुम ही हो ना? वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। किंग चिल्लाते हैं, इधर आओ, मैं हूँ। तेउल उसे बताती है कि ये कह रहा है कि कोई प्रिंस नहीं, कहीं किंग है और जमीन पर नहीं बैठ सकता। किंग कहता है, मुझे पता था तुम सब सुन रही हो। योंग, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ जाओगे। जोन सब कहता है, क्या पागल आदमी है। उसे डांस करते देख किंग कहता है, ये योंग तो नहीं हो सकता। वो
पूछते है कि ये योंग कौन है। मैं जो उन सब हूँ। तेउल गुस्सा हो जाती है कि तुम उससे बात क्यों कर रहे हो। उन सब कहता है कि अब कोई बात कर रहा है तो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। मैंने बाहर एक बहुत सुंदर घोड़ा देखा है, क्या वो घोड़ा तुम्हारा है? तुम तो क्यों आर्थर की तरह हो जो सफेद घोड़े की सवारी करता था। मुझे वो कार्टून बहुत पसंद था। फिर उसकी घड़ी देखकर कहता है कि क्या महंगी घड़ी है। किंग कहता है ये इस दुनिया की इकलौती घड़ी है जो मैक्सिमस की जीत की खुशी में बनवाई गई थी, पर अब तो दो दुनिया है, दो दुनिया की इकलौती घड़ी है, ये एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती। तेउल उसे कहती है 7 बज गए तो मैं घर नहीं जाना क्या? किंग कहता है कम से कम मेरी घड़ी को तो एक पेपर पर रख दो, इसे कभी फर्श पर नहीं रखा गया है। उन सब कहते हैं इसके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। तेउल कहती है इसीलिए कह रही थी इससे बात मत करो। तेउल उस घड़ी को पटक देती है और उन सब वहां से भाग जाता है। तेउल को फोरेंसिक टीम की ऑफिसर का फोन आता है, वो उससे बताती है कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तेउल कहती है तो वो बिना पहचान का आदमी है, कोई तो रिकॉर्ड होगा। ऑफिसर कहते हैं हाँ पर कुछ नहीं मिला, मैंने आज तक 30 साल के ऊपर का कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड ना हो। ये थोड़ा रेयर केस है, पर ऐसा हो सकता है कि बचपन में फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने से पहले वो घर से भाग गया हो सके तो उसका डीएनए टेस्ट करा लो। उसका दिया हुआ नोट दिखाना, पता नहीं किसने बनाया पर बिल्कुल असली लग रहा है। वो चली जाती है। तेउल कहती है मैंने भी मुसीबत गले डाल ली, आखिर तुम हो कौन? तेउल उसके डीएनए टेस्ट की तैयारी करती है। वो पूछता है आपको मेरे फिंगरप्रिंट से कुछ नहीं मिला ना? इसका मतलब है कि इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है और दोनों दुनिया बिल्कुल एक जैसी नहीं है। तेउल कहती है बकवास मत करो। वो कहता है इस तरह मैं यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह आप मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे आपको ढूंढने में वक्त और मेहनत लगी है, मेरे लिए ये सब हैरान करने वाला था। मैं तो आपको आपकी तस्वीर और जन्मदिन के जरिए ढूंढ रहा था। तेउल पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे पास मेरी फोटो है, क्यों? तुम्हें मेरी फोटो कैसे मिली? तुम हो कौन और तुमने मुझे देखकर ये क्यों कहा था कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया? किंग कहता है मुझे बदतमीजी करने वालों का सर कलम कर दिया जाता है, तो अब तुम अपनी जान की फिक्र करो। वो आगे पूछती है कोई जासूस हो? इस पुलिस स्टेशन को उड़ाने आए हो, इसलिए मेरी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने आए हो, जानते हो मैं कौन हूँ? किंग कहता है मैं आपको जानना चाहता था, असली जिंदगी में आप बहुत अच्छी दिखती है। जो आदमी अभी गया है वो मेरी दुनिया में रॉयल गार्ड का कैप्टन था। कुछ लोग दोनों दुनिया में नहीं होते हैं जैसे तुम और मैं। वो कहती है तुम फिर पैरेलल यूनिवर्स को लेकर शुरू हो गए, तो चलो फिर प्रूफ करो। वो कहते हैं कि प्रूफ तो आपके सामने है, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आया हूँ आपकी तलाश में। तेउल उसे देखती रहती है और पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारी आंखें क्रिमिनल की तरह हैं। वो पूछती है और कोई सबूत है? किंग कहता है मैं तुम्हें दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स जिसकी खोज आइंस्टीन ने की थी, उसकी थ्योरी दो अलग अलग दुनिया की तरफ इशारा करती है, जिसके हिसाब से हमारी दुनिया में पार्टिकल्स होते हैं जो एक समय पर दो अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स जिससे हर एक चीज बनती है, अगर उनसे वेव्स भी बन जाएं जैसे कि रोशनी, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि दो पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हो। वो पूछता है कुछ समझ नहीं आया ना? वो आगे बोलने लगता है कि तेउल उसके मुंह से डीएनए के लिए सैंपल ले लेती है और कहती है स्पीच के लिए थैंक यू। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर चिढ़ते हुए कैबिनेट मीटिंग से बाहर आती है। सोचा था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद समझदार लोगों के साथ काम करूंगी। वो अपने असिस्टेंट से आर्टिकल के पब्लिकेशन के बारे में पूछती है। वो उसे बताते हैं कि अगले एक हफ्ते तक किंग के साथ कोई मीटिंग नहीं है और प्रिंस बुयोंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मतलब किंग फिर भाग गए। असिस्टेंट कहते हैं शायद उनकी लाइफ में कोई औरत हो। प्राइम मिनिस्टर कहती है वो औरत यहाँ है, अगर किंग की लाइफ में कोई औरत होगी तो मैं होंगी और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, पर सच में कोई यंग और ब्यूटीफुल औरत हुई तो? असिस्टेंट कहते हैं चांसेस बहुत ज्यादा है। वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो खुद उस आर्टिकल में अपनी और किंग की फोटो पर लोगों के कमेंट्स देखकर खुश होती रहती है। चुमते उल किंग को छोड़ देती है और उसका सामान वापस देते हुए बोलती है मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। किंग कहता है मैं 48 आवर्स में ऐसे भी आजाद हो ही जाता क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। वो कहती है हाँ तो उससे पहले ही छोड़ दिया ना, और डीएनए की रिपोर्ट्स आने पर मैं तुम्हें कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ? वो उसे एक स्लिप देता है और कहता है यहाँ सुना है ये जगह आपके घर के बहुत पास है। वो पूछती है किसने कहा? किंग बताता है उन सपने मैंने सुना है, वो हाई स्कूल में आपका जूनियर था और आपके पापा ताइक्वांडो सेंटर चलाते हैं। तेउल रॉयल इन्फिनिटी होटल का नाम देखकर कहती है ये 5-स्टार होटल है और बहुत महंगा भी। किंग कहता है पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो अपनी जैकेट से एक बटन तोड़ लेता है और ज्वेलरी शॉप के बारे में पूछता है और कहता है ये डायमंड है। तेउल कहती है अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। तेउल उसे ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाती है। ज्वेलरी शॉप का ओनर कहता है मैं 40 सालों से इस बिजनेस में हूँ और मैंने आज तक इतना अच्छा और अनोखा हीरा नहीं देखा। तेउल हैरानी से उसे देखती रहती है आपको ये कहाँ से मिला? किंग कहता है वो मैं आपको बाद में पूछकर बता दूंगा, मेरी दाई माँ जानती है, आप मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हैं? शॉप ओनर कहता है वैसे तो ये बहुत अच्छा हीरा है पर इसकी कोई वारंटी नहीं है और ऐसी चीज खरीदने में रिस्क भी है। तेउल उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है। वो पूछता है पुलिस वाली हो? वो कहती है हाँ। तो किंग कहता है अपनी दूसरी पहचान तो बताइए, प्रिंसेस डायना। तेउल रास्ते में चलते चलते उसे बड़ी हैरानी से देख रही होती है। किंग पूछता है इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? वो पूछती है सच बताना उस डायमंड की असलियत क्या है, तुमने चुरा लिया? किंग बोलता है जो चोरी का हीरा बेचने जाता है वो पुलिस को साथ लेके नहीं जाता। तेउल कहती है क्या पता तुम्हारी दाई माँ ने चुराया हो, उनसे पूछ लेना। किंग बोलता है जरूर पर वो इस तरह की इंसान नहीं है। वो उसे टैक्सी का रास्ता बताकर जाने लगती है। किंग उसे रोककर कहता है मत जाओ, मुझे तुम्हें ढूंढने में 25 साल लगे हैं, आज रुक जाओ। वो उसे रास्ते से हटने को कहती है। इतने में उसे
ली सांग दो की वाइफ का फोन आता है। ली सांग दो वही आदमी है जिसकी डेड बॉडी गाड़ी में मिली थी। वो उसे मिलने चली जाती है। किंग उसको देखते रहता है। तेउल और उसका पुलिस ऑफिसर साथी उनसे मिलने जाते हैं। वो बताते हैं कि उनका हस्बैंड 3 हफ्ते पहले घर से गया था। तेउल पूछते हैं पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं की। वो लेडी कहती है कि झगड़ा करके वो हमेशा भाग जाता था। मैंने सोचा हमेशा की तरह कहीं जुआ खेल रहा होगा। तेउल पूछते हैं आपको किसी पर शक है। वो कहती है जिसने भी उसे मारा सही किया, उसने सबसे पैसे उधार लिए हुए थे, अब सारा कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा। उधर उन सब अपने घर में टीवी देख रहा होता है कि उसे किंग का फोन आता है। किंग उसे अपने साथ अपने होटल लेकर आता है। किंग कहते हैं 13 बार कॉल करने के बाद तुमने मेरा फोन उठाया। तो उन सब पूछता है पर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। किंग कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन सब मना कर देता है तो किंग कहता है जो भी तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है ना वो सब तुम्हारा है। उन सब एकदम मान जाता है। किंग उसकी फैमिली और बचपन की फोटो देखने के लिए कहता है। वो सब ने बचपन की फोटो दिखाता है। उसके और उसके पापा की बचपन की फोटो कैप्टन जोयोंग और उसके पापा की फोटो से मिलती थी। किंग कहता है इसका मतलब मैं सही था, ये एक पैरेलल यूनिवर्स ही है। इतने में उसे तेउल के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि तुम मरना चाहता है क्या, तूने उसे बता दिया ना साले कमीने, फोन उठा नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। किंग उसका फोन उसे देता है क्योंकि तुम्हें मैसेज कर रहा है। वो फोन हाथ में लेते ही गिरा देता है। उधर तेउल किंग का दिया हुआ मैसेज स्लिप हाथ में लेकर खड़ी होती है जिसमें लिखा होता है पता चला है तुम्हारे घर के सामने एक खुला मैदान है, मेरे 7th ग्रेड ऑफिसर मैक्सिमस का ध्यान रखना, और मैक्सिमम वहाँ बंधा होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं ये घोड़ा यहाँ कहाँ से आया, ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, काफी अच्छी ब्रीड लगती है। तेउल कहती है ये 7th ग्रेड ऑफिसर है। उसके साथ खड़ी लड़की पूछती है तुम्हें यकीन है जो इसे यहाँ छोड़कर गया वही इसका मालिक है, अगर वही है तो उसके साथ सेटिंग कर लेना, बहुत अमीर होगा। कोरिया में ज्यादा लोगों के पास घोड़े नहीं है। तेउल गुस्से में चिढ़ती रहती है। पड़ोस के लोग भी खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो लोग खाना खाने जाते हैं और तेउल को बुलाते हैं। तेउल हंसते हंसते कहती है इस घोड़े को देखकर तो मेरी भूख ही मर गई, और अपना सर नोचने लगती है कि मैं उस बंदे का क्या करूं। वो गुस्से में उसके होटल पहुंचती है और पूछती है कि क्या आपके होटल में आज करीब 30 साल का 6 फुट लंबा गोरा चिट्टा हैंडसम प्रिंस जैसा आदमी आया है क्या। होटल स्टाफ अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए मना कर देता है। वो कहती है मैं समझ गई, और एक मैसेज उन्हें लिख कर देती है जिसमें लिखा होता है जो घोड़ा मेरे घर पर है उसे बेचकर काफी पैसे मिलेंगे, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, और बोलती है उसके रूम तक पहुंचा देना। किंग जल्दी जल्दी आता है और कहता है मैं 9 मिनट 40 सेकंड में ही आ गया। तेउल पूछती है घोड़े को वहाँ क्यों भेजा। किंग कहता है अगर आपको मंजूर हो। तेउल बीच में ही कहती है मंजूर नहीं है। किंग कहता है उसको नहलाने का खिलाने का काम मैं करूंगा। तेउल मना कर देती है। किंग कहता है कुछ दिनों की बात है, मुझे जल्दी अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, क्या तुम तब तक अपने लॉन की 16 स्क्वायर मीटर की जमीन नहीं दे सकती। तेउल कहती है मेरा लॉन ही उतना है, तुम अपनी दुनिया वापस कब लौट रहे हो। किंग कहता है मैं सोच रहा था थोड़े दिन रुककर, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तेउल कहती है और तुमने शॉपिंग भी कर ली। किंग कहता है मैं उन सब के लिए शॉपिंग करने गया था तो कुछ ट्राई कर लिया, ऐसे भी मुझे कपड़े तो चाहिए ही थे। वो उसे कहती है डीएनए की रिपोर्ट आने तक मैं उसे संभाल लूंगी। किंग पूछता है आप बाल क्यों बांध रही हो। तेउल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है घोड़े को मैं संभाल लूंगी क्योंकि वो बेकसूर जानवर है, पर तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, तब तक तुम मुसीबत से दूर रहना वरना तुम्हारा घोड़ा कितने में बिक सकता है ये तुम्हें पता चल जाएगा। वो चली जाती है और किंग चैन की सांस लेता है। पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर तेउल को और उसके साथी को गाड़ी वाली डेड बॉडी के बारे में बताती है कि सर पर चोट लगने से डेथ हुई है करीब 3 हफ्ते पहले। डॉक्टर उन्हें हथियार के मार्क का निशान दिखाती है। वो लोग हथियार ढूंढने निकल पाते हैं। तेउल काम कर रही होती है कि किंग का फोन आने लगता है कि सुना है आपकी दुनिया में बुधाजी के नाम की कोई डिश है, मुझे ट्राई करनी है। तेउल फोन काट देती है, वो वापस फोन करता रहता है। किंग उसे बार बार फोन करके परेशान कर देता है। उधर लीलियम एक पुराने टेम्पल में कलर कर रहा होता है। मॉन्ग कहता है आपके पास गाड़ी है सेक्रेटरी पैसे सब है फिर भी ये काम कर रहे हैं। लीलियम कहता है इस जगह की हिस्ट्री 300 साल पुरानी है, यहाँ कलर करना मतलब नई हिस्ट्री लिखना, मैं अपना नया इतिहास लिखूंगा और वो भी मेरे खुद का। एक लेडी अपने अपाहिज बेटे की बर्थडे पार्टी में कुछ बच्चों को बुलाती है। वो बच्चे उसको तंग करने के लिए फुटबॉल गिफ्ट करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। जैसे ही उसकी मम्मी केक काटने के लिए बोलती है वो बहाना करके चले जाते हैं। बच्चा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मी गुस्से में बॉल फेंक देती है, वो किसी के पैरों में जाकर पड़ती है। वो आदमी लीलिम होता है। वो बॉल वापस लेकर आता है और उसकी उदास माँ से पूछता है क्या मांगा आपने ऊपर वाले से। वो रोते रोते कहती है कि काश मेरा बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह चल पाता। लीलिम उसे कहता है ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी, पर अगर तुम चाहो तो उन बच्चों को भी लंगड़ा कर सकते, क्या तुम अपनी इच्छा बदलना चाहोगी। उसके बाद रेडियो पर न्यूज दिखाते हैं कि 3 स्कूल के बच्चे ट्रक से टकरा कर घायल हो गए हैं और वो भी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। एक लेडी फ्लावर शॉप पर जाती है और पूछने पर बताती है कि आज मेरे स्वर्गवासी बेटे का बर्थडे है। वो लेडी पास्ट के बारे में सोचती है। लीलिम के हमशक्ल के भाई की बीवी की स्टोरी दोबारा दिखाते हैं जब वो लीलिम को देखकर डर जाती है और बाहर पुलिस उसके बेटे के बारे में बताने आई होती है। दरवाजा खोलने से पहले लीलिम उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पानी में डूबकर मर गया है और तुम्हारा पति एक्सीडेंट में, अब तुम क्या करोगी, क्या इससे छुटकारा पाना चाहती हो। और वो दरवाजा नहीं खोलती। वो उसे कहते हैं कि कितनी बेबस हो, मुझ पर हंसी थी ना, अब तुम दोबारा जिंदगी में कभी नहीं हंस पाओगी। फ्लावर शॉप वाली लेडी किंग ली गॉन के हमशक्ल बच्चे के मेमोरियल पर फ्लावर रखती है, पर दोनों लेडीज का चेहरा अलग होता है। ये भी सस्पेंस है कि उस लेडी का चेहरा बदल कैसे गया। पुलिस स्टेशन में जोंग तेउल उन इलीगल गेमिंग वाले क्रिमिनल से पूछताछ कर रही होती है। वो उससे मरने वाले की धमकी
सारे मैसेजेस दिखाते हैं जो उसे भेजे गए थे। यहाँ उस आदमी की बात हो रही है जिसकी डेड बॉडी गाड़ी में मिली थी। वो आगे कहते हैं कि उसने तुम्हारा पता ढूंढकर तुम्हें ब्लैकमेल भी किया था। वो आदमी कहता है, आप इस पर यकीन कैसे कर सकते हो, मैंने उसे नहीं मारा। देउल कहती है, तो तुम्हारे घर में खून के निशान मिले हैं। वो कहता है, वो मेरा खून नहीं है, मैं नशे में घर आ जा रहा था, किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। देउल कहती है तो तारीख और वक्त बताओ। वो कहता है, शायद 3 हफ्ते हो गए होंगे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं अपने घर में जमीन पर पड़ा था और खून भी था जो मैंने साफ कर दिया। देउल कहती है, वो तुम्हारा खून नहीं था, उसका DNA मरने वाले से मिलता है। ली सांगदो ने पहले उस हथियार से तुम पर हमला किया और फिर तुमने उसका खून कर दिया उसी हथियार से। कहाँ है वो? वो कहता है, चाहे तो बार में पूछ लो, मैं उनका डेली कस्टमर हूँ। देउल और उसका साथी बार में जाकर CCTV चेक करते हैं। उन्हें CCTV फुटेज में ली सांगदो उस आदमी का पीछा करते मिल जाता है। देउल अपनी टीम को ये ब्रीफिंग देती है और बताती है कि उसने उसकी बिल्डिंग की गेट तक उसका पीछा किया, उसके बाद वो कहां गया ये कोई नहीं जानता। उसका साथी कहता है, वो बिल्डिंग के CCTV से सिर्फ 1 हफ्ते की वीडियो मिल सकती है। दूसरा कहता है, ये तो आसान है, अब तो हमें सिर्फ हथियार ढूंढना है, सब टाइम देखकर घर जाने लगते हैं। पर देउल कहती है कि एक मामूली हार्डवेयर स्टोर के मालिक को उसका पता और नंबर कैसे मिला होगा, उसकी वेबसाइट पर तो उसकी जानकारी नहीं है, इतने कर्जे में था तो प्राइवेट डिटेक्टिव भी नहीं कर सकता। वो लोग कहते हैं, हो सकता है उसने कर्ज से फर्क ना पड़ता हो, पैसों के मामले में सबका दिमाग खराब हो जाता है, हमें भी तो हथियार ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत पड़ सकती है। इतने में देउल आइडिया अच्छा है बोलकर वहाँ से भागने लगती है। सब लोग घर जाने लगते हैं। उसका एक साथी अपनी डायरी में कुछ अजीब सी ड्राइंग बना रहा होता है। घर पहुंचकर देउल मैक्सिमस को गाजर देती है और कहती है, तुम हाई क्लास हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक लाई हूं। मैक्सिमस गुस्सा हो जाता है। देउल उन सबको मदद के लिए फोन करती है। उन सब उसे किंग के पास ले जाता है, जो कि लाइब्रेरी में कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है। उन सब कहता है, पता नहीं 3 दिनों से क्या पढ़ रहा है। जैसे ही वो उसके पास जाकर बैठती है, लड़कियां गॉसिप करने लगती है कि इसकी गर्लफ्रेंड लगती है, उसे लड़कियों ने बड़े सारे गिफ्ट दिए होते हैं। किंग कहता है, मैं समझ गया कि इस दुनिया में देश प्रेसिडेंट चलाता है। देउल कहती है, अब समझ आया। देउल उसे खाना खाने लेकर जाती है। किंग देखता रहता है। देउल उसे कहती है, खाओ। किंग कहता है, मैं किसी के चखे बिना खाना नहीं खाता, मेरे खाने में जहर भी हो सकता है। वो कहती है, अब तक क्या खा रहे थे? किंग कहता है, उन सब चखता था, वो तो मेरे खाने से पहले ही खाने लगता था। देउल कहती है, तो अब ये मुझे करना पड़ेगा? किंग मना कर देता है और कहता है कि अगर ये खाना जहरीला है और मैं मरने वाला हूँ तो ये बातें मेरी आखिरी बातें होंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं मौजूद थी तो मैं पिछले 25 साल से अकेला नहीं था। देउल थोड़ा इमोशनल होकर उसे देखती रहती है और वो खाना खाने लगता है। किंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। वो पूछती है, क्यों, तुम्हारी दुनिया में चिकन नहीं होता? किंग कहता है, मिलता है पर इसी सॉस वाला नहीं। वो पूछती, तुमने लाइब्रेरी में क्या किया? किंग कहता है, मैं आपकी दुनिया के बारे में हिस्ट्री पढ़ी, जानना चाहता था कि ये मेरी दुनिया से कितनी अलग है। वो पूछती है, तो फिर कितनी अलग है? बताता है कि प्रिंस सोहियोन के बाद से बदला है, आपकी दुनिया में उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, हमारी दुनिया में उन्होंने बहुत टाइम तक शासन किया और कई हमले रोके, तभी से दोनों जगह की हिस्ट्री अलग होती गई और यहाँ तक पहुँचे। आपकी दुनिया में जंग और देश के बंटवारे के बाद बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तेजी से डेवलपमेंट हुई, जो कि अच्छी बात है। देउल पूछती है, तुम पक्का इंटरनेट पर नोवेल लिखते हो? किंग को अपना बचपन याद आता है, जब उसने अपनी दाई माँ से पूछा था कि क्या यही मेरी जिंदा रहने की वजह है। वो उसे एक छोटा सा घोड़े से मिलवाती है। उसकी दाई माँ कहती है, उस भयानक रात को यह नन्ना सा जानवर पैदा हुआ था। किंग बताता है, उस रात मैंने बांसुरी की आवाज सुनी थी। दाई माँ कहती है, ये नहीं हो सकता, उस बांसुरी से कोई आवाज नहीं आती। किंग कहता है, नहीं, वो बांसुरी की ही आवाज थी, इसलिए मैं वहां गया था। दाई माँ कहती है, मैं नहीं जानती थी कि आपको सब याद होगा। किंग कहता है, उस रात मेरे पास 2 चीजें थी, और पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें से वो एक चाबुक है जो आपके हाथ में है, और दूसरी चीज भी आपने ही छिपाई है ना? दाई माँ कहती है, मैं डर रही थी, फिर भी इसको देने के लिए साथ ले आई। दाई माँ उन दोनों चीजों की तरफ देखती है और कहती है कि मैं चाहती थी आप पुराना सब भूल जाए, कुछ याद ना रखे, और वो उसे वो दोनों चीजें दे देती है। किंग पूछता है, और ये हम दोनों का सीक्रेट है? दाई माँ कहती है, हाँ। वो देउल की फोटो देख कर पूछता है, क्या यही है मेरी जीने की वजह? स्टोरी वापस आती है। किंग देउल से कहता है, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हो? वो कहती है, यकीन करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो धरती के गोल होने पर भी शक करते हैं। तुम पैरेलल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, ठंडा होने से पहले चुपचाप अपना खाना खा लो और DNA की रिपोर्ट्स आने तक कुछ मत करना। वो पूछता है, यकीन नहीं है तो मेरी मदद क्यों कर रही हो, कोई फर्ज निभा रही हो क्या? वो कहती है, मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। किंग पूछता है, क्या और कोई वजह नहीं हो सकती, कुछ ऐसा जिसके लिए मैं आपकी दुनिया में रुक जाऊं? देउल उसे हैरानी से देखती रहती है। किंग उदास होकर सड़क पर चल रहा होता है, इतने में वो किंग्स के बारे में एक एग्जीबिशन का पोस्टर देखता है और वो एग्जीबिशन देखने जाता है। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में कैप्टन जोयोंग किंग के साथ अपनी पुरानी बातें सोचकर उदास हो रहे होते हैं कि उससे रैबिट की ड्रेस में कोई दिखता है। वो उसे जाकर पकड़ता है, वो एक स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट उसे बताते हैं कि जैकेट तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। एक कैफे में वो लड़की जो रोइंग कॉम्पिटिशन में कैप्टन जोयोंग की फोटो ले रही थी, अपने दोस्त से बात कर रही होती कि कोई कॉल नहीं आया, और उसे किंग के
पीआर डिपार्टमेंट से फोन आता है कि उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इतने में कैप्टन जोयंग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप मयोंग से हो, मैं रॉयल गार्ड के लिए काम करता हूं। वो पूछती है आप जोयंग है ना, मुझे तो यकीन नहीं होता। उसका कैमरा देखकर उससे पूछते हैं कि वही कैमरा ना जिससे आप रोइंग कॉम्पिटिशन में फोटो खींच रही थी, क्या मैं फोटोज देख सकता हूं? वो उसे कैमरा दे देती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। जोयंग जवाब नहीं देता और वो पूछता है क्या आपके फोटोज मुझे मेल कर सकती हैं, शायद बाद में इनसे कुछ मिल जाए। वो खुश हो जाती है। डायंगमा कैप्टन जोयंग से पूछते हैं कि आपने रोइंग कंपटीशन में गोली चलाने वालों की छानबीन की? वो कहता है हाँ, पर उनका किंग के गायब होने से कोई कनेक्शन नहीं है। जोयंग बताता है कि शायद किंग भी उसी लड़की के पीछे भागे थे जिसकी वजह से गोली चली थी। डायंगमा कहती है चलो अब तो जाकर उस एस्ट्रोलॉजर का शुक्रिया करना होगा, कम से कम किंग किसी लड़की के पीछे तो जाने लगे। उधर किंग अपनी की हुई शॉपिंग और अपने जैकेट के सारे गायब हुए डायमंड बटन्स को देखकर सोच रहे होते हैं और उदास बैठे होते हैं। वो मैक्सिमस के पास जाकर अपने बचे हुए पैसे गिन रहे होते हैं और टेहुल के घर के पास वाली कॉफी शॉप में जाते हैं। कॉफी शॉप वाली लड़की उनसे पूछती है आप उस घोड़े के मालिक है ना? किंग खुश हो जाता है और कहता है मैं कोरिया किंगडम का किंग हूँ। वो उससे चाय मांगता है और वो उसे बिल देने को कहती है। उसका मुंह उतर जाता है। टेहुल के साथी उसे बाहर बैठा देखता है और टेहुल को बाहर बुलाता है। उसे किंग के बारे में अपने साथियों की बातें याद आती है कि हैंडसम है पर थोड़ा बेवकूफ लगता है। टेहुल उसे आवाज लगा कर कहती है कि उन सब हमारा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। किंग उससे पूछता है हम पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हारे और टेहुल के बीच क्या रिश्ता है? कहता है वही जो चाय और बिस्किट मिकी माउस और बनी बक्स का है। किंग पूछता है मतलब? वो कहता है पहली बार मिले हो, मेरी लाइफ में इतना क्यों घुस रहे हो? फिर वो उसकी फोटो लेता है और कहता है कि ये फोटो इमरजेंसी के लिए है, सुना है तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। उसके और किंग के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। किंग कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो वरना सर कलम करके शुरुआत होगी। वो हंसने लगता है और कहता है कि आज तुम पहली बार मिले हो इसलिए जाने दे रहा हूं, अगली बार तुम नजर आए तो जो होगा ना शब्द कम पड़ जाएंगे। उधर टेहुल के घर में उसकी और टेहुल की बहुत सारी बचपन की फोटोज होती है। स्टोरी बैकग्राउंड में जाती है अप्रैल 2006 जहां टेहुल अपने पापा को आवाज लगाती हुई स्कूल से वापस आती है और बहुत सारे अंडे देखकर अपने पापा से कहती है फीस के बदले में आज के जमाने में अंडे कौन लेता है। उसके पापा एक स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताते हैं। टेहुल कहती है अब आप इससे रेंट कैसे पे करोगे, मेरे पास एक आइडिया है। टेहुल अपने घर की विंडो में बैठी होती है कि बहुत सारे लड़के वहां से गुजरते हैं। एक लड़का उसे रुककर देखने लगता है और अंदर आ जाता है। वो अपने पापा से कहती है मैंने कहा था ना आइडिया काम करेगा और उनसे पैसे लेकर चली जाती है। स्टोरी वापस आती है। टेहुल अपने घर के नीचे आती है। किंग उसके साथ चलने को कहता है। टेहुल मना कर देती है। उससे किंग की बातें याद आती है और वो अपने दोस्तों को मैसेज डालकर वापस जाती है। किंग उदास खड़ा होता है। टेहुल उससे पूछती है कि अभी तक यहाँ क्यों हो? किंग कहता है आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मुझे बुरा लगता है, मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं यहाँ आपके अलावा किसी को नहीं जानता। टेहुल चिढ़ जाती है और कहती है पहले ये बताओ इस दुनिया में तुम सिर्फ मुझे ही क्यों जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता है? किंग बताता है कि 25 साल पहले मुझे आपका आईडी कार्ड मिला था, किसी से गिर गया था। वो कहती है हाँ 25 साल पहले कौन था वो? किंग कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। टेहुल कहती है मान लिया तुम्हारी बात सच है पर 25 साल पहले मैं 5 साल की थी और कोई डिटेक्टिव नहीं थी। किंग कहता है मैं नहीं जानता, जो आईडी मेरे पास है वो 11 नवंबर 2019 को इशू हुआ है और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो हैरान रह जाती है और फिर कहती है उस दिन डी कैप्रियो का बर्थडे है। किंग शॉक हो जाता है। टेहुल उसे समझाती है कि तुम्हारा वहम है, किसी डॉक्टर के पास जाओ। किंग कहता है मेरे पास पैसे खत्म हो गए। टेहुल कहती है समझो तुम्हारी कोई फैमिली होगी और उन्हें इस वक्त तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, तुम घर जाओ। किंग उसे कहता है मैं अभी सिंगल हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको एक ऐसा दर्जा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। और टेहुल के पास जाकर कहता है लेफ्टिनेंट जोंग टेहुल मैं आपको अपनी रानी स्वीकार करता हूँ। टेहुल कहती है क्या? वो कहता है अब आप मेरे यहाँ रहने की वजह बन गई है। टेहुल उसे हैरानी से देखती रहती है और कहती है सोचा था तुम आधे पागल हो पर तुम तो पूरे पागल निकले। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।